सर, खुद एतमादी कितना लाजमी है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि, और मेरे उस्ताद भी ये कहते हैं सर सलमान आसिफ कुरैशी साहब, कि आज के दौर का सबसे बड़ा एसेट कॉन्फिडेंस है, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन कॉन्फिडेंस है। तो जो इंसान कॉन्फिडेंट है वो हर फील्ड में आगे, राइट? बिकॉज इंफॉर्मेशन का दौर है, बहुत सारा काम जो है वो रोबोटिक्स और एनालिटिक्स और ये सारी जो ऑटोमेशन हो रही है, अब लोगों को फेस करने का काम है, कॉन्फिडेंट से आगे बढ़ने का काम है। तो जो इंसान कॉन्फिडेंट है, और ये रिसर्च भी कहती है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को फेस कर सकता है, वो लोगों को डील कर सकता है, वो लोगों के प्रेशर्स हैंडल कर सकता है और कॉन्फिडेंटली अपनी बात मनवा सकता है। और बिजनेस वर्ल्ड में इट्स ऑल अबाउट के यू नो बिल्डिंग रिलेशनशिप और आगे बढ़ना। और आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज भी, जो अगर हम यूथ की बात करें तो आप देखें, आप ऑब्जर्व करें कि यूथ हमारी कितनी कॉन्फिडेंट लेस घूम रही है, कन्फ्यूज कितनी है। इन्फॉर्मेशन का एक इन्फ्लक्स आया हुआ है, लेकिन किसी को फैसला नहीं कर पा रही, डिसीजंस नहीं ले पा रही, बड़े ही सोच सोच नहीं पा रही। बिकॉज नंबर वन, मैंने जो पहले बात की, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, खुद को जानते ही नहीं है। नंबर टू, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बच्चे भी कॉन्फिडेंस में नहीं है, और जो अभी हमारे यूथ जो बड़े होते हैं वो भी कॉन्फिडेंस में नहीं है। उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हमने जो है ना, मैं हमेशा जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में एक बात करता हूँ कि देखिए, हमारे पास ये जो बिगाड़ आया ना, इसका एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी नर्चरिंग जो है फेयर बेस्ड नर्चरिंग हुई है। वो बड़ा बंदा है, वो बड़ा आदमी है, ये बड़ा अफसर है, ये वो है। तो जब आपने सबको बड़ा बना दिया तो आपका बच्चा क्या है फिर? और जब यही इनसिक्योर बच्चे जाके बड़े बड़े ओहदों में बैठते हैं तो वो कभी किसी को आगे आने देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही।